हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। एमएस पार्क क्षेत्र से दो ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। एमएस पार्क थाने की टीम ने 11 चोरी के दुपहिया वाहन बरामद किए। सहादरा जिला के डीसीपी रोहित मीना ने शनिवार की सुबह 9:00 के 12 मिनट पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि 9 मई की रात 10 बजे एमएस पार्क थाने के एसएचओ की देखरेख में एक टीम जिसमें एसआई जीतपाल, एएसआई दीपेंद्र, एएसआई जसवीर सिंह, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल अमृत राज टीम में शामिल थे जो क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो ऑटो लिफ्टर चोरी की मोटरसाइकिल पर आएंगे, यदि समय रहते छापा मारा जाए तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जाल बिछाया। कुछ देर के बाद एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध लोगों को आते हुए देखा। मुखबिर ने इशारा किया और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान मोटरसाइकिल का नंबर ट्रैक किया तो वह चोरी की पाई गई, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया और अन्य ऑटो लिफ्टिंग के मामले में अपनी संलिप्तता जाहिर की, जिसके बाद 5 चोरी की स्कूटी और 5 चोरी की मोटरसाइकिल और बरामद की। आरोपियों के कब्जे से टोटल चोरी की 6 मोटरसाइकिल और चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। दोनों आरोपियों पर 59 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों की पहचान जो डीसीपी ने बताया, पहले आरोपी का नाम नसीम पुत्र एमडी शरीफ निवासी गली नंबर 6 दिलसाद मस्जिद ओल्ड मुस्तफाबाद के रूप में हुई है, इसकी उम्र 36 वर्ष है। और दूसरे आरोपी की पहचान नाम वकील उर्फ अकील उर्फ तिनिया पुत्र इस्माइल निवासी गली नंबर 3 पुराना मुस्तफाबाद के रूप में हुई है, इसकी उम्र 34 वर्ष है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है।